Hey everyone, this is Manish and I'm back with another video. So let me tell you some interesting stats and figures before starting the video. तो देखो गेट में कितना सब्जेक्ट जनरली होते हैं, हम किसी भी अगर नॉर्मल ब्रांच की बात करें तो एटलीस्ट लगभग 12 सब्जेक्ट्स जनरली हर एक ब्रांच की होते हैं। एंड हर एक सब्जेक्ट की कितने चैप्टर्स होते हैं? एटलीस्ट 10 टू 15 चैप्टर्स जनरली हर एक सब्जेक्ट का होते हैं। किसी का थोड़ा कम होता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा भी होता है। तो हम मान के चल रहे हैं एवरेज 10 चैप्टर्स है हर सब्जेक्ट का एंड देयर आर 12 सब्जेक्ट्स। कितना चैप्टर होगा? एटलीस्ट 120 चैप्टर्स। नाउ आपको इतना सारा थिंग्स कवर करना पड़ेगा फॉर जस्ट अ सिंगल 100 मार्क एग्जाम व्हिच इज कॉल्ड गेट एग्जाम। तो आप डेफिनेटली समझ सकते हो कि कितना डिफिकल्ट है ये पूरा चीज कवर करना एंड कितना डिफिकल्ट है इन कंपटीशन में सर्वाइव करना एंड अल्टीमेटली गेट में एक अच्छी रैंक लाना कितना मुश्किल होता है, आप डेफिनेटली समझ सकते हो। एंड ये चीज हासिल करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डेडिकेशन, हार्डवर्क, पैशन एंड मोटिवेशन। एंड ये सब चीज़ आपके पास आएंगे इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इनफ। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपके पास हार्डवर्क करने का एबिलिटी भी नहीं होगा, आपके पास डेडिकेशन भी नहीं होगा, मोटिवेशन के आप एकदम गिर जाएंगे। सो आपको अगर कंसिस्टेंट रहना होगा, कंसिस्टेंट के लिए डेली एक आपको प्रोडक्टिव रूटीन मेंटेन करना होगा। सो आप स्टार्टिंग से देखो, आपको अगर हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क के लिए आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, आपको अगर कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए चाहिए एक प्रोडक्टिव रूटीन। सो ये सारे चीज एक लिंक के साथ जुड़ा हुआ है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो कैट हो, कुछ भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आपको अच्छे से करना है, उस एग्जाम पे एक अच्छे रैंक लाना है, सो यू शुड नीड अ प्रॉपर प्रोडक्टिव रूटीन। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा मैंने किस रूटीन को फॉलो करता था एंड हाउ कुड आई एक्सट्रैक्ट 10 plus hours of productive time to study for gate exam. So let's jump into the video. तो देखो आपको अगर रूटीन सेट करने से पहले आपको एक गोल फिक्स करना है कि किस गोल तक आप पहुंचना चाहते हो। तो अगर आपको गोल ठीक से नहीं सेट है तो आपको रूटीन फॉलो करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बिफोर फॉलोइंग एनी रूटीन ब्लाइंडली आप पहले उस गोल को समझो एंड जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो इस रूटीन को फॉलो करके, तो आपको डेफिनेटली एक माइंड सेट बिल्ड हो जाएगा। नाउ अगर रूटीन की बात करें तो आई यूज टू वेक अप अराउंड 6 to 6:30 एंड वो मेरे लिए बहुत ही आइडियल था। काश मेरा अभी भी ये स्केड्यूल रहे तो मैं अभी बहुत लेट उठता हूँ, बट स्टिल दैट वॉज माई गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई यूज टू वेक अप एट 6। बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा आपको फील आएगा इफ़ यू स्टार्ट वेक अप एट अर्ली मॉर्निंग। नाउ आफ्टर वेकिंग अप आई यूज टू यू नो टेक सम 10 to 15 minutes टू फ्रेशन मी अप एंड उसके बाद थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद थोड़ा 5-10 मिनट के लिए एक अच्छी मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इंटायर ड्यूरेशन ऑफ गेट प्रिपरेशन। मेडिटेशन आपको डेफिनेटली दिन में किसी न किसी टाइम पे करना जरूरी है। तो मेरा स्टडी रूटीन स्टार्ट हो जाता था फ्रॉम 7 AM to 10 AM। नाउ दिस एंटायर 3 आवर ड्यूरेशन वॉज टोटली डेडिकेटेड फॉर स्टडिंग थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट। आपको अगर कुछ नया चीज सीखना है, कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ना है, कुछ नया चैप्टर पढ़ना है, तो आपको ये टाइम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है। एंड दिस 3 आवर्स हैज अ स्पेशल मीनिंग। आई सेट इट विद अ प्रॉपर मोटिवेशन कि देखो गेट आपको होगा जनरली आपको 9 to 12, ये मॉर्निंग वाला स्लॉट ही आपको मिलने वाला है। अगर आपको आफ्टरनून स्लॉट में मिले तो ठीक है, अगर आपको मॉर्निंग स्लॉट में मिले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि मॉर्निंग में 3 आवर्स लॉन्ग ड्यूरेशन उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए मैं ट्रेन किया मेरा बॉडी को फ्रॉम 7 to 10, इस टाइम 3 आवर्स कंटिन्यूअसली आपको बैठना है किसी एक जगह पर एंड कंटिन्यूअसली आपको स्टडी में फोकस करना है। तो इसीलिए अगर आप फोकस नहीं कर पाओगे इस टाइम पीरियड पर तो आपको गेट एग्जाम में भी आप डेफिनेटली फोकस नहीं कर पाओगे, कैसे आप 3 घंटा बैठ पाओगे, है ना। तो इसीलिए आपको 3 घंटा मॉर्निंग में स्पेशली आपको डेडिकेट करना है जस्ट टू गेट यूज टू इट कि आपको गेट एग्जाम अगर मॉर्निंग स्लॉट में पड़ जाए तो आपको बॉडी डेफिनेटली हैबिचुएटेड हो जाएगा, तो आपको गेट एग्जाम में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। एंड द मॉर्निंग पीरियड इज द बेस्ट टाइम, आपको बॉडी सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। तो उस टाइम अगर आप नया चीज सीखोगे या फिर कुछ लर्निंग में फोकस करोगे तो आपको माइंड डेफिनेटली ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा एंड आई दैट्स व्हाई आई यूज टू learn all of these theoretical concepts in those morning slots. Now after 10 AM I used to take around 30 to 40 minutes break just to have my proper breakfast, क्योंकि सुबह में उतना ज़्यादा breakfast तो नहीं होते। I whatever I could manage I used to take that breakfast and from 10:30 to 12:30 ये जो 2 hours का stretch है इसमें मैं ज़्यादातर जो subject मैंने
मॉर्निंग में किया था उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता था, बिकॉज दिस द टाइम आपको थोड़ा लाइट देना है क्योंकि आप एक मॉर्निंग में 3 घंटे की एक स्ट्रेच ले रहे हो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर द गुड कैंडिडेट फॉर दिस स्लॉट, तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस स्लॉट में जो सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी किया था उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस स्लॉट में मैं करता था। एंड आफ्टर 12:30 आई यूज्ड टू टेक बाथ एंड आई यूज्ड टू हैव माय लंच एंड वो ब्रेक कंटिन्यू होता था अप टू 2 PM एंड विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम आप लंच करने के साथ साथ थोड़ा फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करो, थोड़ा आपको अगर सोशल नेटवर्क है तो फेसबुक, व्हाट्सएप, कोरा, स्नैपचैट, जो कुछ भी है आपको उसमें आप डेफिनेटली टाइम स्पेंड करो। लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है, आप डेफिनेटली लिंक्डइन में जाके टाइम स्पेंड कर सकते हो क्योंकि टाइम स्पेंड ज़रूरी है। आपको ऐसा नहीं कि पूरा दिन ऐसे स्टडी में ही फोकस करना है सारी चीज़ भूल के, अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे फैमिली के साथ, आपको फ्रेंड के साथ थोड़ा फ़ोन में बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक हल्का फील हो जाएगा। तो आप आफ्टर 2 PM यू कैन टेक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स ऑफ पावर नैप, आपको अगर चाहिए तो, आपको नहीं चाहिए तो ठीक है। जनरली हम लोगों का बॉडी थोड़ा लेजी फील करते हैं आफ्टर हैविंग लंच, सो आफ्टर 2 आई यूज टू स्टार्ट अराउंड 2:30, सो 2:30 से 5:30 ये 3 घंटे की और एक स्ट्रेच है। तो ये जो इंटायर लॉन्ग स्ट्रेच है इस टाइम मैंने डेडिकेट किया रिविजन एंड जो सब्जेक्ट मैं रिविजन कर रहा हूँ उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। रिविजन के लिए आपको ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगता है बिकॉज दैट सब्जेक्ट यू ऑलरेडी कवर, तो रिविजन के लिए थोड़ा आपको कम मेहनत से ही हो जाता है। तो रिविजन प्लस उसका जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका अगर सब्जेक्ट वाइज या फिर चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी मैं इस टाइम पे कर लेता था। नाउ आफ्टर 5:30 आई टू टेक अनदर ब्रेक एंड इट विल स्ट्रेच अप टू 6:30, तो ये 1 घंटे की जो गैप है इसमें मेरा सारे एक्सरसाइज एज वेल एज मेरा अगर आप मेरे को खेलना भी पसंद है तो मैं उस टाइम पे खेल भी लेता। तो दिस इज द टाइम आप डेफिनेटली स्पेंड कर सकते हो एक्सरसाइज में। आफ्टरनून स्लॉट एक्सरसाइज के लिए बहुत ही अच्छा होता है एंड मेरे को ऐसा फील है कि आफ्टरनून में मेरे को ज़्यादा पढ़ने का या फिर काम करने का मन नहीं रहता है, ज़्यादातर मेरे को एक्सरसाइज में फोकस करना पसंद है बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, तो मेरे को ये एक हैबिट हो गया। तो आई यूज टू कीप दैट स्लॉट फॉर एक्सरसाइजिंग पर्पस। तो आफ्टर 6:30 आई यूज टू टेक सम स्नैक्स ऑल्सो विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर 6:30 इट विल स्ट्रेच अप टू 9:30 और एटलीस्ट 10, जो मतलब घर में जो सिचुएशन होता है, अगर अर्ली डिनर भी हो जाता है तो आई यूज टू टेक डिनर अर्ली, अगर थोड़ा लेट भी हो जाता है तो आई यूज टू टेक डिनर थोड़ा लेटली। सो फ्रॉम 6:30 टू 9:30 ये 3 घंटा स्ट्रेच भी आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ये 3 घंटा की स्ट्रेच मैंने यूज़ करता था लर्निंग के लिए, अगर मेरे को न्यू चीज़ सीखना है तो इस टाइम पे मैं सीख लेता था, अगर मेरे को सिलेबस कवर करना है, कुछ सब्जेक्ट फिनिश करना है, कुछ चैप्टर खत्म करना है तो आई डेडिकेटेड दैट टाइम प्योरली फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स एज वेल एज अगर उस सब्जेक्ट का कुछ चीज़ प्रैक्टिस करना है तो इस टाइम पे मैं उस सारी चीज़ कर लेता था। एंड आफ्टर दैट आई यूज़ टू हैव माय डिनर एंड डिनर के बाद आई यूज़ टू हैव माय लेट्स से 10 टू 15 मिनट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ स्लॉट जहाँ पे मैंने डिसाइड करता था कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डेज। तो अगर आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं होगा कि अगला दिन आप क्या पढ़ोगे क्या करोगे तो आपको डेफिनेटली अगले दिन में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बिफोर गोइंग टू स्लीप आपको थोड़ा बहुत प्लानिंग करना जरूरी है कि व्हाट विल गोइंग टू डू इन द वेरी नेक्स्ट डे। सो दस आई कुड हैव इजिली एक्सट्रैक्टेड इफ आई कैलकुलेट प्रॉपरली 11 आवर्स ऑफ entirely productive time period to for your study as well as revision as well as practicing previous year questions. तो देखो आपको डेफिनेटली मेहनत तो करना ही होगा एंड आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये रूटीन फॉलो करके मेहनत करना होगा, आप अपने अकॉर्डिंग एक रूटीन बना लो बट एटलीस्ट ट्राई टू गिव 8 to 10 आवर्स फॉर योर स्टडी क्योंकि गेट प्रिपरेशन इज रियली डिफिकल्ट। मेरे को पता है गेट प्रिपरेशन कितना डिफिकल्ट होता है, अगर आप इससे कम टाइम दे रहे हो तो आपको डिफ़िकल्टीज फेस हो सकता है। एटलीस्ट आप ट्राई करो कि दिन में 8 to 10 आवर्स प्रोडक्टिव टाइम आप गेट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए दे पाओ तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू मेक थिंग्स एंड ऑर्गेनाइज यू वेरी वेल। अगर आप गेट की प्रिपरेशन बहुत लेट कर रहे हो, आई नो देयर आर 6 to 7 मंथ्स लेफ्ट फॉर गेट 2022, तो अगर आप बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा। एज मच टाइम एज यू कैन पुट इन टू अ गेट प्रिपरेशन इट विल गिव यू द सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स। तो डेफिनेटली आपको मेहनत देना होगा, हार्डवर्क करना होगा, डेडिकेशन भी दिखाना होगा एज वेल एज आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एंड सब के लिए आपको एक प्रॉपर प्रोडक्टिव रूटीन भी फॉलो करना डेफिनेटली ज़रूरी है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ डेफिनेटली सीखने को मिला। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल शेयर करना अपने दोस्तों के साथ सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड विद दिस ऑल्सो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर and goodbye.